नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हमेटा ब्लॉग पर और मैं हूं विनोद। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि बहुत ही डेंजर एक घाटी है जो कि सांप की तरह है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार। और यह जो घाटी है यह भीम से टाड़गढ़ जाते हैं तो टाड़गढ़ से पहले 8 किलोमीटर पहले ही एक टर्न आ जाता है, दुधालेश्वर महादेव जो रास्ता जाता है उसी के बीच में ये घाटी आती है। देखिए ये जो दिख रही है आपको बहुत ही घुमावदार घाटी है ये। इस घाटी का नाम है दोस्तों कातर घाटी। ये कातर घाटी है जो कि इस प्रकार से रोड बना हुआ है, पहाड़ पूरा पहाड़ ये उतरना होता है और वापस से अगर रिटर्न आ रहे हैं तो चढ़ के इस पर आना होता है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी घुमावदार रोड है, एकदम अमेजिंग, काफ़ी अच्छा देखने में, बिल्कुल सांप की तरह है ये टेढ़ा मेढ़ा। और ये जो आसपास जो अभ्यारण्य बना हुआ है ये टोड़गढ़ रावली का अभ्यारण्य है, उसी के बीच में ये जगह स्थित है। देखिए दोस्तों जो व्हीकल चल रहे हैं यहाँ से ऊपर कितनी घुमावदार और धीरे धीरे जाना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि सामने से एकदम जा रहे हैं तो सामने से कोई गाड़ी वाला टक्कर ना मार दे या अपनी गाड़ी टक्कर ना लग जाए उससे, तो काफ़ी सावधानी के साथ यहाँ से उतरना होता है। देखिए जो वो बाइक आ रही है सामने से कितनी धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। चलिए दोस्तों ड्राइव का मज़ा लेते हैं, इस ढलान के अंदर उतरते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते पर। देखिए कितना घुमावदार रास्ता है ये, एकदम धीरे धीरे उतरना होता है। जैसा मैं बता रहा था दोस्तों आपको, ये अजमेर ज़िले में आता है, भीम तो राजसमंद ज़िले में आता है और ये जो टोड़गढ़ है ये अजमेर ज़िले के अंदर आता है, तो उसी के बीच में बॉर्डर पर ही ये जगह है, पाजी घाटी बनी हुई है, काफ़ी अमेजिंग और बहुत ही डेंजर घाटी बनी हुई है, घुमावदार रास्ता, थोड़ा खतरा भी रहता है। खतरा इसलिए कि व्हीकल चलाते समय काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए यहाँ पे। देखिए चढ़ते समय कितना धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, बहुत ही हाई घाटी है ये, पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। देखा दोस्तों कितनी खतरनाक और कितनी मतलब घुमावदार रोड थी ये, पूरी घाटी बनी हुई है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ, फिर से मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू दोस्तों।